वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच आप सब जी का स्वागत है। अपनी अज की वीडियो शुरू करन तो पहला आप जी के चरणों के विच बेनती है कि अज की वीडियो नू पूरा जरूर सुनियो जी, क्योंकि अज की वीडियो दे विच सतगुर सच्चे पातशाह दियां खुशियां उन्हां दियां बरकतां रहमतां प्राप्त करन दी जुगत आप जी दे नाल सांझी करन जा रहे हैं। तो अज की वीडियो सुनने तो बाद साड़ी भी जिंदगी बदल सकती है, सानू भी जिंदगी जीने का ढंग मिल सकता है। इस करके वीडियो नू पूरा जरूर सुनियो जी। अते वीडियो सुनद्या सुनद्या कमेंट बॉक्स दे विच जाके धन गुरु नानक देव जी जरूर लिख के आना। तो आओ अज की वीडियो शुरू करते हैं। देखो जी, अज के विषय के उत्ते विचार करन तो पहला मेरे पहले पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी के समय की एक साखी आप जी के नाल सांझी करन जा रहे हैं। इस करके बेनती है कि साखी नू बड़े ही ध्यान दे नाल सुनना। यह साखी सतगुरु सच्चे पातशाह दे पहली उदासी के समय की आ, जब सतगुरु सच्चे पातशाह दीन दुनिया का भला करद्या होया सोनीपत दे विच पहुंचे। कहिंदे जब पातशाह उत्थे पहुंचे तो पातशाह ने उस नगर दे बार बार ही विराजमान हो गए। कहिंदे ठंड दा मौसम सी, तां भाई मरदाना जी ने सतगुरु सच्चे पातशाह नूं बेनती कीती कि सतगुरु सच्चे पातशाह आपां कल दा प्रशादा पाणी नहीं छकिया अते अज दा वी पूरा दिन बीतण ते आया है कि सतगुरु सच्चे पातशाह कोई भी जी इत्थे नहीं पहुंचिया तां क्यों ना आपां अगे नूं चलीए। ते कहिंदे सतगुरु सच्चे पातशाह कहण लगे कि नहीं भाई मरदाना जी, आपां अगे नहीं जा सकते क्योंकि इत्थे साडा एक बड़ा ही प्यारा सिख रहिंदा है। वह मेरे प्यारे सिख नूं अपने आउण दी खबर नहीं मिली, जदों ही उहनूं खबर मिली ना उहने दौड़े चले आउणा है। तुसीं बेफिक्रे रहो, वह जरूर आवेगा। अते कहिंदे इदां ही होई, सतगुर सच्चे पातशाह दा प्यारा सिख जदों उहनूं खबर मिली कि धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी साडे नगर दे विच आए ने, ते कहिंदे उहने पैरी जुत्ती ना पाई दौड़िया आया, सतगुर सच्चे पातशाह दे दर्शन किते अते पातशाह तों माफ़ी मंगी कि पातशाह मैनू माफ़ कर दो, मैनू खबर हुणे मिली आ, मैनू आउण दे विच देरी हो गई आ, इस करके मैनू माफ़ी दो अते मेरे नाल मेरे गरीब दे घर दे विच जाके चरण पाओ। वह सिख अपने आप नूं गरीब कह रहा सी, पर सतगुर सच्चे पातशाह दे लई तां उह सब तों अमीर सिख सी, क्योंकि सतगुर सच्चे पातशाह साडी धन दौलत जमीन जायदाद नहीं देखदे, वह तां अपने प्यारियां दे मन दी श्रद्धा देखदे ने, भावना देखदे ने, भरोसा देखदे ने। तां उह भरोसा श्रद्धा भावना दे विच पक्का सी, इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह दे लई तां उह सब तों धनवान सी, सब तों अमीर सी। कहिंदे सतगुरु सच्चे पातशाह उसे वेले अपने प्यारे सिख दे नाल उहदे घर नूं तुर पए। कहिंदे जद घर दे विच आए तां पत्नी ने देखिया कि मेरे पति दे नाल गुरु जी आ रहे ने। कहिंदे उह वी बड़े खुश होए, उहनां ने वी रज रज दर्शन कीते। कहिंदे उह सिख ने अपनी पत्नी नूं जाके पुछिया कि अपने घर दे विच गुरु जी आए ने, तो जो भी अपने घरे राशन पानी है ना वह तैयार करो अते नाल मैनूं दसो कि अपने घर दे विच किन्ना कु राशन पानी है, क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह आए ने, हो सकता है दो चार दिन रुकण, तो कि इन्ने क दिन का अपने घर दे विच राशन पानी है। तो कहिंदे उहदी पत्नी ने दस्या कि अपने घर दे विच जे तां आपां चारे जाने भोजन प्रशादा छकीए फिर तां दो क दिन का राशन पानी है, पर जे आपां ना छकीए सतगुरु सच्चे पातशाह नूं अते उहनां दे साथी नूं छकाईए तां फिर चार दिन आराम दे नाल निकल जाणगे। ते कहिंदे दोवां जणियां ने फैसला कीता वी फिर इदां ही करदे आं, मसां तां किते भाग खुल्ले ने, गुरु जी साडे घर दे विच आए ने अते गुरु जी दी सेवा दे विच किते कोई कमी ना रहि जावे, इस लई उहनां दोवां ने ही फैसला कीता कि आपां दोवें ही चार दिन भुखे रह लवांगे, पानी पी के गुजारा कर लांगे, पर सतगुरु सच्चे पातशाह दी सेवा दे विच कमी नहीं आउण देनी। ते कहिंदे उह बीबी ने दो जणियां दा भोजन प्रशादा तैयार कीता, सतगुरु सच्चे पातशाह दा अते भाई मरदाना जी दा, दोवां नूं मिट्टी दे बर्तना दे विच भोजन प्रशादा परोस के दे दिता, क्योंकि घर दे विच पैसे दी तंगी सी तां बर्तन मिट्टी दे वरतदे सी। ते कहिंदे सतगुरु सच्चे पातशाह ने जद दो जणियां दा भोजन प्रशादा देखिया तां अंतरजामी पातशाह दिलां दीआं जाणन वाले जो सब कुछ जाणदे सी, पर फिर भी मुखो बोल के पुछिया कि भाई तुसीं नहीं प्रशादा छकना। कहिंदे ओ गुरसिख आने बहाने जे बनाउण लगा कि मैं बाद विच छक लांगा,
पर सतगुरु सचे पातशाह सब जानते सी। सतगुरु सचे पातशाह ने कहा कि भलिया सानू खवाउण दे लई तू भुखा नहीं रहना, क्योंकि जे तुसी भुखे रहे फिर असी किंज छक सकदे आ। क्योंकि सतगुरु सचे पातशाह उहनूं इही समझाउण दी कोशिश कर रहे सी कि जिवें बच्चा भुखा होवे तां मां नहीं ना खा सकदी, उसे तरह साडे परम पिता परमात्मा भी सानू भुखे रख के आप किंज खा सकदे ने। कहिंदे पातशाह ने कहा कोई गल नहीं, जे प्रसाद पानी दी घर विच कमी है ना तां आपां इसे नूं वंड के खाने आ, पर जे तुसी छकोगे फिर ही असी छकांगे। ते कहिंदे पातशाह ने उसे दे विचों ही चार हिस्से करते उन्हां नूं वी प्रसादा भोजन छकाया। कहिंदे उह गुरसिख दा कानियां दी छत वाला इक्को ही कमरा सी, उह वी कच्चा सी। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬਿਸਤਰ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਣੀ ਵੀ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਛਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਛੱਤ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਤੋੜ ਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਤੜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਛੱਤ ਵੀ ਸਿਰ ਦੀ ਇੰਨੇ ਕੀ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਧਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨੇ, ਦੇਖ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਘਾਲੋ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਓਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਛੱਤ ਬਦਲਣੀ, ਸਾੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤਾਂ ਬਦਲ ਲਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟੀ ਜਿਹੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਛੱਤ ਪਾਵੇਂਗਾ ਨਾ ਇਹ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਾਵੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸੱਤ ਵਚਨ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਇੱਧਰ ਜਦ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨੀਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਨੀਹਾਂ ਪੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਗਾਗਰ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਸ ਗਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ
उस गुरसिख की सारी गरीबी कटी गई। जेडे नगर निवासी गुरसिख नू मेहने मार रहे सी ना कि चंगा तू होर कर साधुआ की सेवा, किदा रात का खुश होया फिरदा है कि मेरे घर दे विच गुरु जी आए ने, वह तेरी कानिया की छत भी साड़ गए, तेरे भांडे भी तोड़ गए। फिर उही उस मूंह दे नाल संगत कहन लगी कि गुरसिखा इंज लगता है जिवें गुरु जी एड्डी दूर तो चल के तेरा भला करन आए होण। तां इह साडे सतगुर सच्चे पातशाह की वडियाई, सतगुर सच्चे पातशाह की कीती हुई सेवा कदे भी बिरथा नहीं जाती। जिहड़ी सेवा सिख भावना दे नाल करदा है ना, वह सेवा का बीज ऐसा है कि उस बीज दे विचों किन्ना फल मिलना है आपां अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जिवें एक किसान अपनी जमीन दे विच फसल बीजदा है, कोई बीज बीजदा है तो उन्हों अंदाजा होंदा है कि मैं इन्नी क कणक पाई आ, इहदे विचों इन्ना क झाड़ निकलेगा। पर सेवा का बीजा हुआ बीज वह बीज आ भी जिहदी पैदावार का जिहदी फसल का सानूं कोई अंदाजा ही नहीं लग सकता भी साडी झोली दे विच किन्नियां दातां पैणियां ने। कई बार झोलियां छोटियां पै जांदियां ने, तां इस करके जदों भी मौका मिले सतगुर सच्चे पातशाह की सेवा करनी आ। विसाखी का पवित्र दिहाड़ा आ रहा है तो गुरु घर दे विच जाके रज रज के सेवा करनी आ ते सतगुर सच्चे पातशाह दी खुशी उन्हां दी बरकत हासिल करनी आ। जेकर अपने आस पड़ोस किते भी सेवा करन दा मौका मिल रहा है, जिथे लगदा है कोई गरीब कोई लोड़वंद जिन्हों साडी मदद दी लोड़ आ, जिहदी मदद असीं धन राही अन्न राही कपड़े राही कर सकदे आ, ता उसे ही तरीके दे नाल उहदी सेवा करनी आ अते सतगुरु सच्चे पातशाह दीआं खुशियां अते बरकतां हासिल करनियां ने। अते सेवा करदिआं होइआं इह ध्यान जरूर रखना है कि कोई भेदभाव नहीं रखना, यह नहीं है कि मैं इस दी सेवा करनी है अते उस दी नहीं, क्योंकि कई लोग तो जीव जंतुआं दी सेवा करन लग्यां भी वखरेवां कर जांदे ने। उह कहिंदे काले कुत्ते नूं रोटी पाउणी आ अते चिट्टा भावें भुखा ही वेखदा रह जावे। इसलिए ना तो जीव जंतुआं दे विच कोई वखरेवां करना है, भेदभाव करना है, अते ना ही मनुख दे विच। जिथे भी आपां सेवा करनी है, जो भी सेवा सतगुरु सच्चे पातशाह साडे तों लै रहे ने, बिना भेदभाव तो करनी है, निरस्वार्थ हो के करनी है, तो देखना सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा दे नाल झोलियां छुट्टियां पै जांदियां ने। जिवें सतगुरु सच्चे पातशाह ने उहदा दब्बिया होया खजाना आप लभा दिता ना, उस तरह साड़ी भी सेवा तो खुश हो के सतगुरु सच्चे पातशाह सानू भी रस्ता जरूर दिखाउणगे। तो फिर जिथे भी सेवा करन दा मौका मिले सेवा जरूर करनी आ, पर निरस्वार्थ हो के बिना भेदभाव तो करनी आ, ता ही असीं अपने गुरु की खुशी गुरु की बरकत हासिल कर पावांगे। जेकर ये वीडियो चंगी लगी तो फिर इन्हों लाइक ते शेयर कर देना, अते जेकर इतिहास की साखी सुनाउंदिया कोई भी भुल रह गई होवे, कुछ भी गलत बोलिया गया होवे तो माफ कर देना जी।